आज फिर आईपी की बात होगी और ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं वायरिंग, इसमें कोई भी कनेक्टर अलग से हम यूज़ नहीं करेंगे। जो भी आप केबल RJ45 यूज़ करते हैं, हम उसी को यूज़ करके एक केबल पे दो कैमरे चलाएंगे, वो भी POE स्विच से। तो हो जाइए तैयार, कुछ इस तरह से होगा कि आप अपने क्लाइंट को बजट देते हैं आईपी का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें एक आइडिया मैं बताऊंगा कि आप अपने बजट को कैसे कम कर सकते हैं और अपना कोटेशन कैसे पास करेंगे। काफ़ी आसान हो जाएगा, क्लाइंट को भी कन्फ्यूजन और आपके कंपटीटर को भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इतने कम केबल में जो बंदा 90 मीटर केबल में कंप्लीट करता था और कोटेशन दिया हुआ है, आप उसी को अगर 60 मीटर में निपटा दें तो जाहिर सी बात है कि आपका कोटेशन नंबर वन पे आएगा। तो देखते जाइए, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इजी, कुछ भी अलग से आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया था जिसका एक ओवरव्यू मैं दूंगा कि नॉर्मल स्विच को POE में कैसे चेंज करें, तो वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था। समझ जाइए कि आपके कोटेशन के लिए कि आप स्विच महंगी वाली POE ना ख़रीद करके नॉर्मल स्विच और अपनी जनरल पावर सप्लाई जो SMPS होती है उसको आप यूज़ करके बजट को कम कर सकते थे। तो एक ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। बाकी इस केबल को हम कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ, जो कि आप देख जाएंगे, समझ जाएंगे। और जिसको इंटरेस्ट होगा इस वीडियो में कि कैसे वो केबल बनाई जाती है, तो वीडियो के आखिर में वो हमने पार्ट रखा हुआ है, डिटेल दिखाऊंगा कि कैसे उसको बनाते हैं। तो आइए पहले एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। बहुत शॉर्ट में देख लीजिए कि एक NVR और एक नॉर्मल POE स्विच को लेकर के जनरल पावर सप्लाई आप देख रहे होंगे जो हम HD कैमरे में यूज़ करते हैं, और एक नॉर्मल स्विच हमने यूज़ कर लिया, और इसका केबल भी बनाने का तरीका मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। बस अभी बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ जाएं कि बजट कैसे कम कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लिप कैसे बनाई गई है, कैसे कनेक्ट किया और कैसे चलाया, वो सब कुछ मौजूद है। ये भी बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अगला वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं, जो कि एक केबल पे हम दो कनेक्टर लगाएंगे, इसमें एक लगा हुआ है और ये पावर सप्लाई से कनेक्शन देने के लिए एक पेयर को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1, 2, 3 और 6 पोजीशन पर जो कनेक्टर RJ45 होता है उसमें ही यूज़ करते हैं डाटा और पावर के लिए, बाकी 4 केबल यानी 2 पेयर आपका फ्री होता है। तो उसके लिए हम दूसरा कनेक्टर यूज़ कर ले रहे हैं POE में यूज़ करने के लिए। तो ये वीडियो उस टाइम के लिए था जब POE महंगी हुआ करती थी, तो हमने सस्ते का ऑप्शन बताया था। अब देखते हैं ये कंडीशन जिसमें आपका देखिए एक केबल लगी हुई है और आपको अब ज़रूरत पड़ गई, दूसरे कैमरे की केबल ख़राब हो गई या POP में अक्सर फॉल सीलिंग में फंस जाता है तो बदलने लायक नहीं होता, वहाँ के लिए ये बहुत ही कारगर है। तो दोनों को जो कैमरे नज़दीक में होंगे उन दोनों कैमरों के केबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकाल करके उस केबल को हम बना लेंगे, और बनाने के बाद आप देख रहे होंगे दो कैमरे एक केबल पे ये चल रहे हैं। अभी आपको हम कनेक्शन भी दिखा देते हैं जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ भी हमने अलग से यूज़ नहीं किया है। तो मेरा एक मकसद ये है कि IP में मास्टर होइए, सब कुछ जानिए, धीरे धीरे
वीडियो को पूरा देखिएगा, देख रहे होंगे दो कनेक्टर एक केबल में साफ साफ लगे हुए हैं और ये दो कैमरे हैं दूसरे एंड पे, जो कि गौर से देखिए दो कनेक्टर निकले हुए हैं एक केबल में। तो ये काफ़ी आसान भी है और बहुत बढ़िया चीज़ है, जिससे आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप चलते हुए आपने देख लिया, अब जिनको ज़रूरत है कि आप आकर के देख लीजिए कैसे इस कनेक्टर को हम बनाते हैं, कलर कोड क्या होता है, कलर कोड की वैल्यू क्या होती है, और एक कलर कोड के ऊपर भी हम वीडियो आपको देंगे। जबकि अभी मैं बता दूं कि उसका कोई आपके नेटवर्क में जब अपना सिर्फ केबल कैमरा चला रहे हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता, कलर कोई भी यूज़ करिए वो चलेगा 100%। तो सिंपल सा उस केबल को हम निकाल लेंगे और लगाने का तरीका बनाने का बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत सिंपल है। लेफ्ट से काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 6। जबकि पीओई के लिए एक कैमरे के लिए एक कलर कोड यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑरेंज एंड ग्रीन का पेयर यानी चार केबल यूज़ हो जाता है 1, 2, 3 एंड 6 पर, और ये दो पेयर देखिए ब्लू और रेड, ये आपका किसी काम का नहीं होता है। तो इसको सिंपली हम कट कर लेंगे, कट करके निकाल लेंगे, और यही काम हम कैमरे के एंड पे भी कर लेंगे। और कैमरा अगर दूरी पे है तो ये आप टूल्स देख रहे होंगे, टूल्स के भी वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो मंगा भी सकते हैं। तो टूल्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा हथियार होता है प्रोफेशनल काम करने के लिए। तो ये देख लीजिए दो पेयर हो गए, अब उसी कलर कोड के हिसाब से कोई कलर याद नहीं करना है, 1, 2, 3 एंड 6 पर इन चारों केबल को हम दूसरे कनेक्टर में यूज़ कर लेंगे। अब आ जाते हैं, जब चार केबल यूज़ करते हैं तो होता ये है कि गलत जगह पड़ जाती है, पता चला पाँचवें पे पड़ गया या सातवें पे पड़ गया। तो एक सिंपल सा टिप्स मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि छोटा सा टुकड़ा निकालिएगा और ये इसमें से केबल निकाल लीजिएगा, निकाल करके जो भी आपका 4, 5 और 7, 8 पर ये फॉल्स लगा लीजिएगा, मतलब इसका कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन 8 का बनाने के लिए जो 4 पेयर का होता है कनेक्टर में डालने के टाइम प्रॉब्लम आती है, इधर उधर हो जाता है। जो मास्टर हैं, ये देखिए इस टूल्स का यूज़ मैं करता हूँ, बहुत तेज़ काम करता है ये और आसान भी है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है, निकाल दिया। तो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है, इसको लेकर के देखिए इसमें से स्टैंड निकाल लेंगे, क्योंकि पहले में यूज़ हो रहा है ऑरेंज एंड ग्रीन, तो उसको छोड़ देंगे, देख रहे होंगे। दूसरे में जब यूज़ होगा ब्लू एंड रेड तो उसकी जगह पर जो खाली जगह भरना है इस केबल को लेकर के ऑरेंज एंड ग्रीन को डाल देंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए वीडियो। तो आपके टाइम के बचत के लिए वीडियो हमने फास्ट कर दिया है, और इसको बनाने का तरीका जिनको आता है उनके लिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। जो नए हैं गौर से देखिए, समझिए, फिर आप हमसे सवाल करिएगा। ये देखिए 4 में से 1, 2, 3 मैं ये ले रहा हूँ, और 6 के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस आप याद रखिएगा कि 1, 2, 3 पे इस साइड में क्या रखा है, वही सीक्वेंस आप दूसरे साइड पे भी रखेंगे। तो ये देखिए 8 का हमने बना लिया, बीच में कुछ फर्जी भी केबल ये हमने डाल लिया, और ये 8 का सीक्वेंस बन गया, जिससे आसानी ये होगी कि आपको RJ45 कनेक्टर में डालने में आसानी होगी। तो गौर से देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा जो नए लोग हैं, और जो एकदम नहीं जानते वो हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आप इसकी ज्वाइनिंग ले सकते हैं।
जिससे आपको कहीं भी साइट पे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए कनेक्टर लिया मैंने और सिंपल सा लगा दिया। लगाने के बाद इसको पंच कर दीजिए। पहले से देखिए बना बनाया ये केबल रखा हुआ होता है तो आसानी भी होती है। पंच कर दीजिए, एक छोटी सी आवाज़ आती है। काफ़ी डिटेल अगर देखना है तो इसका वीडियो पड़ा हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, आईपी सेलेक्ट करिएगा, उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये जो फॉल्स हमने केबल लगाई थी केबल जगह भरने के लिए, काट के निकाल दीजिए। तो अभी दिखाने के लिए आपको मैं इसका फिनिशिंग नहीं कर रहा हूँ, बस टेप उप करके थोड़ा बढ़िया से प्रोफेशनल तरीके से काम करिएगा तो बहुत लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो फटाफट देखिए ये लगा करके हमने चला भी दिया, दो केबल तैयार हो गए। तो इससे ये होगा कि अगर कहीं 40 मीटर की केबल आपकी रन कर रही है एक साथ डबल, तो वो आपकी बचत हो जाएगी और आप एक ही केबल पे वायरिंग कर दीजिए। तो क्लाइंट को भी सस्ता होगा, आपका बजट भी कम हो जाएगा, कंपटीशन भी कर पाएंगे। और ये हर आदमी नहीं जानता, तो इससे आप थोड़ा यूनिक भी हो जाएंगे, लोग आपको याद भी करेंगे। तो आपने ये डिस्प्ले भी देख लिया और इस डिस्प्ले के साथ साथ हम कनेक्शन भी दिखा दे रहे हैं। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता, मजाक समझते, तो ये उनके लिए है आखिर में। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली मेंबर की तरह हैं, उनके लिए वेरी वेरी थैंक्स। तो आपने हमारा वीडियो टाइम निकाल के देखा और ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि अगर